हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को और मैं तो पर्सनली जो है सौरभ का थैंकफुल हूं कि सौरभ ने फटाफट पीपीटी जो आज बनाई है, जिसके वजह से आज से 5 से 6 क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए लिया है पेपर 3 के लिए। तो थैंक यू सौरभ, आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हो। देखो, जब भी आपके लिए कोई कुछ काम करता है तो यू शुड बी ग्रेटफुल। आप ग्रेटफुल रहेंगे तो कृतज्ञ रहेंगे, हिंदी में बताऊँ तो आप जो है लंबे छलांग लगाओगे, जीवन में नई ऊंचाइयों को छुओगे। तो चलिए, सौरभ का थैंकफुल हम लोग रहेंगे और आगे बढ़ेंगे और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन इंग्लिश में है, आई रिपीट, क्वेश्चन इंग्लिश में है, बट मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ों को समझाऊंगा अभी मैं। देखिए, पूछा गया है जो थ्रेसर टूल है ये एमएस वर्ड में किसके लिए यूज में लाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ थ्रेसर्स का लैटिन मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका लैटिन में मतलब होता है सिमिलर। लैटिन में इसका क्या मीनिंग होगा? सिमिलर। सिमिलर का मतलब ये हो गया कि कोई भी एक जैसा दिखने वाला है उसे हम लोग सिमिलर बोलेंगे। और आपने SSC वगैरह की अगर तैयारी की है तो एंटोसाइनो आपने जरूर पढ़ा होगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो किससे आप चेक कर पाओगे? ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइएगा कौन सा बटन से आपको पता चलेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दीज द फॉलोइंग, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट। देखिए, ये सभी जो ये फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, इंस्टाग्राम क्या है और पिंटरेस्ट क्या है, इन सभी लोगों के बीच में कॉमन क्या है? तो देखिए, ये सभी क्या है? सोशल साइट है, यानी कि सोशल मीडिया है, जहां पर आप जो है घंटों अपना बर्बाद करते हो और अभी जो है इसका सही इस्तेमाल कर रहे हो, यूट्यूब का सही इस्तेमाल कर रहे हो आप और यहां पे वीडियो देख रहे हो। तो ये सभी क्या है? सोशल मीडिया साइट है। अगर आपसे अमेजोन, मिंत्रा और जो है फ्लिपकार्ट इसके बारे में पूछा जाए तो वो क्या है? वो शॉपिंग वेबसाइट है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आपके मोबाइल में आपका चेहरा देखकर जो है वो फेस लॉक से जो है आपका जो है मोबाइल अनलॉक हो जाता है, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डीप फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं, फोटोज़ वगैरह बनाई जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो ये जो है बहुत एक्यूरेट हो रहा है। तो देखिए, इस यहाँ पे क्या सवाल पूछा गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है साइंस और इंजीनियरिंग है, किसके लिए? ये जो है मशीन को इंटेलिजेंट बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। नहीं तो आप देख लो, मोदी जी की 50,000 वीडियोज़ आप बना सकते हो डांस करते हुए, मेलोडी का वीडियो यूट्यूब पे बहुत, इंस्टा पे, ट्विटर पे बहुत वायरल हुआ था, है ना। मोदी जी के आवाज़ में गाने आप गवा सकते हो, कोई भी अगर पुराना गाना है तो उसे आप जो है गवा सकते हो, यानी कि मशीन को आप क्या कर रहे हो? तेज बना रहे हो। अगला है, मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक अ ह्यूमन, यानी कि कंप्यूटर को आप जो है इंसानों की तरह सोचने के लिए जो है उसको पावर दे रहे हो। ऑब्वियसली दोनों आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। तो देखिए, ऑप्शन ए एंड बी बोथ कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में, 2 के साथ आप आगे जाओगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल ऑन MS वर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो देखिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जो है आपको क्या नहीं देखने को मिलता है? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे आपको शैडो मिलता है। देखो, अगर मैं कुछ यहां पे लिखता हूं तो उसके नीचे शैडो बन जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन कहां पे दिख जाएगा? MS पावर पॉइंट में ये दिखता है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? तो मैं अभी आपको स्ट्राइक थ्रू का एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कि मैं लिख देता हूं सौरभ। ठीक है, अभी सौरभ के बारे में बहुत कुछ बातें मैं बोले जा रहा हूं क्योंकि सौरभ ने बहुत अच्छा काम किया है। तो देखिए, आप स्ट्राइक थ्रू, देखो ये बीच में कटा हुआ दिखता है ना, इसी को स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। तो स्ट्राइक थ्रू ऑब्वियसली आपको पावर पॉइंट में देखने को मिलेगा, दोनों ऑप्शन। अंडरलाइन, जैसे कि कोई सेंटेंस लिख रहे हो आप अंडरलाइन कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन आपको, तीनों ऑप्शन कहाँ दिख जाएगा? ये आपको पावर पॉइंट में दिखेगा, लेकिन इम्बॉस आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, इम्बॉस आपको नहीं दिखेगा। ये होता क्या है, यहाँ से आप फोटो देख लो, आप समझ जाओगे इम्बॉस क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। डैश एंड डैश आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट। देखिए, जैसे कि मैंने अभी कुछ लिखा है, यहाँ पे स्मॉल फॉन्ट है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा फॉन्ट है, यहाँ पे और छोटा फॉन्ट है। फॉन्ट का मतलब हुआ कि जो आप वर्ड लिख रहे हो उसकी साइज कितनी बड़ी होगी या छोटी होगी। पूछा कहाँ गया है? MS ऑफिस में, यानी कि MS वर्ड के बारे में पूछा गया कि MS वर्ड में जो है सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है। तो देखिए, मिनिमम जो होता है वो 8 होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 72 होता है, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में PPT में जो है ये साइज आपको डिफर दिखेगा, अलग दिखेगा। यहाँ पे मिनिमम तो 8 होगी लेकिन मैक्सिमम 96 हो जाएगी। तो याद रखेगा, पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट में जो है आपको ये 8 से 96, लेकिन MS वर्ड में 8 से 72 देखने को मिलेगा। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक सवाल मैं पूछ लूँ, कीबोर्ड में कुल कितने जो है आपको
कीज दिखेंगे, यहाँ पे टोटल कितने कीज दिखेंगे नीचे कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है। जॉयस्टिक कैसा है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा। जॉयस्टिक जो है वो क्या है, इनपुट है या आउटपुट है, नीचे कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन लैपटॉप फॉर द रूटीन ऑपरेशन आर, देखिए इनपुट डिवाइस जो है कॉमनली यानी कि बहुत ज्यादा है, मोस्ट कॉमनली यानी कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है लैपटॉप वगैरह में किस पर्पज से किया जाता है उसका नाम आपको बताना है इनपुट डिवाइस का। कीबोर्ड और माउस, तो देखिए कीबोर्ड में आप कुछ लिखते हो तो उसका जो फंक्शन है वो अंदर में प्रोसेसर के माध्यम से वर्क करता है, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस है, तो ये आंसर आपका जो है लॉक हो जाएगा। लेकिन आगे हम लोग देख लेते हैं, कीबोर्ड तो है इनपुट डिवाइस, लेकिन सीडी रोम क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, यानी कि अगर आप सीडी वगैरह लगाकर मूवी वगैरह देखते हो, मॉनिटर में कुछ भी बाहर निकलता हुआ दिखता है, चाहे वो ऑडियो हो वीडियो हो, तो ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया क्योंकि यहाँ पे इनपुट के बारे में बात की जा रही है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन पेन ड्राइव, फिर से आप मैरिज वेडिंग एनिवर्सरी के बच्चों के हैप्पी बर्थडे के जो वीडियोस वगैरह आप बनाते हो चलाते हो पेन ड्राइव के थ्रू से, तो ये क्या है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन स्क्रीन, फिर से जो है मॉनिटर, स्क्रीन बोलो या फिर आप इसे मॉनिटर बोलो, दैट मीन्स बोथ आर द सेम थिंग। मॉनिटर क्या आपको देखने को मिलता है, तो मॉनिटर क्या आपको दिखेगा, ये आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लॉक करोगे, ए के साथ आगे बढ़ जाना है आपको। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड टू अप्लाई मोशन इफेक्ट इन बिटवीन अ स्लाइड एग्जिस्ट। देखो मैंने दो स्लाइड दिखाए ना आपको, इसके बीच में अगर कुछ म्यूजिक ट्रांजिशन बच जाए, तो देखो रील बनाने वाले ये अच्छे से जानते होंगे और रील देखने वाले भी ये अच्छे से जानते होंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए ये जो है, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, स्लाइड ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। वो पाउडर लगाकर आदमी गायब हो जाता है, कपड़े बदल लेता है, तो ये इसे क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन बोला जाता है। तो उसी तरह से स्लाइड में एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के बीच का जो टाइम लगता है, जैसे कि अभी देखो ये पहला स्लाइड दूसरा स्लाइड, इसके बीच में म्यूजिक वगैरह लगा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडियन आईटी कंपनीज। इंडिया की आईटी कंपनी कौन कौन सी है, ये आपको बताना है। तो देखिए इंटेल भारत की कंपनी नहीं है, अमेरिका की कंपनी है, डेल भी अमेरिका की कंपनी है, तो दो ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। इंटेल फिर से यहां से देख लो, ये अमेरिका की कंपनी है, तो बचा कौन, HCL और TCS, टाटा जो ये सर्विस कंसल्टेंसी है, ये तो दोनों आंसर का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन टू के साथ आप आगे बढ़ोगे। विप्रो, प्रेम जी विप्रो की है और बहुत बड़ी संस्थान है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। आगे देखिए, अब आपको जो है यहाँ पे पेयर बनाकर दिया गया है और आपसे पूछा गया कि कौन सा जो है ऑड है, यानी कि कौन सा अलग है। वाईफाई आप मॉडम से चलाते हो, जियो फाइबर वगैरह से, तो ये सही है। अब देखो यहाँ पे चार्जिंग केबल, आप जो है केबल से जो है मोबाइल को चार्ज भी कर लेते हो, सही बात है। फाइल हार्ड ड्राइव में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्रोम, गूगल क्रोम का आप इस्तेमाल केबल के तौर पर करते हो क्या, गूगल क्रोम का इस्तेमाल आप एज अ ब्राउजर करते हो, ब्राउजर यानी कि वहां पे फोटो देख सकते हो आप, वीडियो देख सकते हो, कोई वेबसाइट विजिट कर सकते हो, तो ये क्या है, ऑड है, यही क्या है, रॉन्ग था। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कहीं ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली छूट चुका है, ये बी हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ डॉक्यूमेंट। एमएस ऑफिस में एक जगह से डेटा दूसरे जगह पे आप कैसे भेजोगे, तो ऑब्वियस ही बात है आप क्या करोगे, कट करोगे और पेस्ट कर दोगे। कॉपी पेस्ट से भी डेटा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, लेकिन जब आप कॉपी करते हो तो डेटा एक जगह वहां भी रह जाएगा और जहां पे आप पेस्ट करोगे वहां भी रह जाएगा, और कट में क्या होगा, वो डेटा कंप्लीटली इरेज हो जाएगा उस जगह से और दूसरे जगह पे वो रह जाएगा। तो देखिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप क्या कर रहे हो, मूव करा रहे हो, मूव करा रहे हो, इसका मतलब कॉपी नहीं होगा। यहां पे आप क्या करा रहे हो, मूव करा रहे हो, मतलब पहले वाला तो रहेगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करके आप कौन सा टास्क, यानी कि कौन सा काम करा सकते हो। तो देखिए एमएस आपको जो है एक्सेल कुछ ऐसा दिखेगा, ये टेबल वाला, तो देखिए इसमें आप मार्कशीट बच्चों का तैयार कर सकते हो, ठीक है। किसी की अपने घर में आपने काम लगा रखा है, बहुत सारे मजदूर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, या फिर पैसे का लेन देन है, तो ये आपको सारे एक्सेल में देखने को मिल जाएगा। बच्चे का मार्कशीट हो, रिजल्ट तैयार करना हो, या फिर कोई डेटा रखना हो, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एमएस एक्सेल में। तो स्टूडेंट का रिजल्ट आप तैयार करते हो, यस। आगे देखिए, सभी इंडियन क्लासिकल सिंगर का और उनके घराना के नाम से जो है आप ऐड करना चाहते हो, तो ये डेटा भी आप एमएस एक्सेल में रख सकते हो। प्लेइंग वीडियो म्यूजिक या फिर म्यूजिक वीडियो, ये आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ये आप पीपीटी में कर सकते हो, जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वहाँ पे ये काम किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, ये जो है वेट ए मिनट, ये जो है नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये नहीं किया जा सकता, यानी कि ए और बी जो है
इसका टास्क जो है एमएस एक्सेल में किया जा सकता है। ए और बी आप देखो कहां आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ए के साथ आप आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, वीजीए का फुल फॉर्म क्या है, मैं आप लोगों से कुछ फुल फॉर्म पूछ लेता हूं। आरएएम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दूसरा है आरओएम, इसका भी फुल फॉर्म आप बताओगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 1 TB में कितना जीबी होता है, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे जानते हैं। अगर कोई भी आंसर नहीं आया, मैं देख लिया वीडियो 10 मिनट तक चल गई, किसी ने नहीं किया तो मैं ही इन सारे क्वेश्चन के आंसर कर दूंगा। अगर किसी ने कर दिया है तो उनको मैं हार्ट दे दूंगा, तो आप समझ जाना कि ये आंसर क्या है, करेक्ट है। तो फिलहाल VGA का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए इसका सही जवाब जाएगा वीडियो ग्राफिक एरे, यानी कि ऑप्शन 3 आपका क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, डिवाइसेस दैट एंटर इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर एंड कम्युनिकेट विथ इट कॉल्ड डिवाइसेस। देखो ये कम्युनिकेट करने की बात की जा रही है कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये डेटा आप जो है यहाँ पे फीड करते हो, तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा इनपुट। देखो कीबोर्ड में अगर आप लिखते हो कोई नाम या फिर शॉर्टकट कोई आप दबाते हो तो वहाँ पे एक्शन आएगा, तो ये क्या है, आप कमांड दे रहे हो तो कंप्यूटर उस पर वर्क कर रहा है। दैट मीन्स माउस से भी आप क्या करते हो, कमांड देते हो, तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ये सारे वर्क जो है, देखो इन्फॉर्मेशन जो आप एंटर करते हो उसे जो है कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है, उसको कमांड को लेता है, तो इन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डैश इज यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन, जो डिजिटल डेटा है वो एनालॉग लाइन कौन करता है, तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब आप याद रख लीजिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इससे और इससे, दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, याद रखिएगा। मॉडेम इसका सही जवाब हो जाएगा, 3 के साथ आप आगे बढ़ोगे, 3 इसका क्या है, सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, एक्शन ऑफ यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम टू कंप्यूटर स्क्रीन अ न्यू लोकेशन इज कॉल्ड। तो देखो आप क्या कर रहे हो, एक एक्शन ऑफ यूजिंग माउस, माउस के मदद से जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे नए लोकेशन पे भेज रहे हो, तो आप क्या करते हो, ड्रैग करते हो। ड्रैग करने का मतलब है कि आप यहां से इसे हटाने के लिए क्या करते हो, इस पे जो है आप राइट क्लिक करके एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते हो, घसीट के ले जाते हो। ड्रैग करने का मतलब घसीट के ले जाते हो, दैट मीन्स वॉट, यहाँ पे आप करते हो ड्रैग एंड ड्रॉप, यहां से उठा करके फिर वहां छोड़ देते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एमएस ऑफिस फाइल, यानी कि एमएस ऑफिस फाइल का एक्सटेंशन क्या है। जैसे आप पीडीएफ पढ़ते हो ना, तो पीडीएफ का एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, तो इसी तरह से एमएस फाइल का एक्सटेंशन कोड क्या है। इमेज में आप देखो डॉट जेपीजी देखते हो, ठीक है, इसके अलावा JIF GIF देखते हो, तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहीं से पूछा गया कि MS Office का एक्सटेंशन क्या क्या हो सकता है, तो PPTX आपको देखने को मिल जाएगा, Docs देखने को मिल जाएगा, और XLXX भी दिख जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MS फाइल में आपको ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द नॉमरिक डेटा एंटर द वर्कशीट MS Excel, ये कहां पर जाता है। देखो ये मैंने आपको बताया एमएस एक्सेल है, यहां पे बहुत सारे लाइंस वगैरह होते हैं, रो एंड कॉलम होता है, तो आप कुछ भी यहां पे लिखोगे तो ये लेफ्ट साइड की ओर जाता है या राइट साइड की ओर जाता है या फिर सेंटर में रह जाता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, जैसे ही आप देखो ये बॉक्स बना हुआ है, जैसे ही आप सपोज कर लो कि आप 2 लिखोगे तो ये लिखाएगा राइट साइड में, लेकिन जैसे ही आप लिखकर हटोगे ये जो है यहां पे चला जाएगा राइट साइड में चला जाएगा। तो पूछा गया कि ये कहां चला जाता है, अपने आप ये राइट में चला जाता है, आंसर 3 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज पॉसिबल इन अ स्लाइड शो ऑफ एमएस पावर पॉइंट। देखिए पावर पॉइंट में आप कौन कौन सा काम जो है ले सकते हो, कौन कौन सा काम को टास्क को करना यहाँ पे पॉसिबल है। तो देखिए वेबसाइट आप चला सकते हो, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आप जो है लिंक वगैरह भी जो है हाइपर लिंक भी आप दे सकते हो। प्लेइंग यूट्यूब वीडियो, देखना कई बार आप पीडीएफ वगैरह खोलते हो ना तो वहाँ पे क्लिक हियर लिखा रहता है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक है, इसे हाइपर लिंक बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, हाइपर लिंक। यहाँ पे एक लिंक दिया गया जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उस वेबसाइट पे चले जाओगे, दैट इज हाइपर लिंक। ये पीपीटी में किया जाता है, मैंने भी बहुत किया है। तो ये वेबसाइट ब्राउज कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो भी आप यहाँ पे चला सकते हो, और क्लास का रिजल्ट भी तैयार कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, तीनों काम किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और ये सवाल बहुत ही आसान है, आपके लिए छोड़े जाता हूं, नहीं किसी को मिलेगा आंसर तो मैं नीचे कमेंट करके इसका आंसर बता दूंगा। 19 का आंसर क्या होगा, ऑल डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज, यानी कि जो डेटा आप कंप्यूटर में देते हो वो कंप्यूटर उसे किस भाषा में लेता है, 0 और 1 की भाषा में, नंबर और अल्फाबेट की भाषा में, और या फिर सिंबल वगैरह लेता है, तो आपको नीचे कमेंट करके इसका आंसर देना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर,
अ डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और डिस्क टू डिस्क। देखो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में क्या जाता है, वायरस जाता है। क्या जाता है? वायरस जाता है। और वायरस क्या करता है, बहुत ही खतरनाक है। सब देखो, कभी भी अननोन डिवाइस से कभी भी अपने आप को कनेक्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप नुकसान में रहोगे। देखिए ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराया जो कि बहुत बहुत VBI थे, KBS, NBS, DSSSP में पूछे गए सवाल थे। अगर आपको और 20 क्वेश्चन चाहिए होगा तो नीचे आप कमेंट करोगे टॉप 20, तो इसके ऊपर एक और कंप्यूटर की वीडियो मैं आपके लिए ला दूंगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करें। साझा करना है आपको अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में, किसी टेलीग्राम ग्रुप पे से शेयर जरूर कर दें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।